वेल नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी कामयाबी के राह में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं रोशन आप सभी दोस्तों के लिए लेके आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आपको नहीं मिलेगा इंसेंटिव, नहीं होगी आपकी प्रमोशन और कोई क्लब क्वालिफाई भी आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? यदि आप ज्वाइनिंग संबंधित ये 6 मुख्य बातें यदि आप नजरअंदाज कर देते हैं तो इसमें से कोई एक गलती हुई तो आपको इंसेंटिव भी उस ज्वाइनिंग से नहीं मिलेगा, उस ज्वाइनिंग से, और ना ही आप उस ज्वाइनिंग की वजह से यदि प्रमोशन होने वाले हैं, उस ज्वाइनिंग की वजह से यदि पीवीपी भी आपका बना है और उससे प्रमोशन होने वाला है तो प्रमोशन में भी काउंट नहीं होगा, और उस सेल की वजह से यदि आप किसी भी क्लब में हिस्सा बनने वाले हैं तो उस हिस्सेदारी से भी वंचित हो जाएंगे आप। तो क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? ये सारी चीजें सब लोगों को इफेक्ट डाल सकती है, चाहे वो सीडी हो, पीडी हो, ईडी हो, एसडी हो, आरडी हो, डीडी हो, जीडी, कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी ये चीज इफेक्ट कर सकती है, यानी प्रभाव अपना छोड़ सकती है किसी पर भी, किसी को भी इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। ध्यान दीजिए कि कौन कौन सी ऐसी 6 मुख्य बातें हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी है। हालांकि दोस्तों इसका डिटेल्स वीडियो हमारे कंपनी के सीनियर सर द्वारा, माननीय कुश सर द्वारा जो वीडियो प्रसारित किया गया था, जो आपके बीच में मैंने पब्लिश कर दिया। हालांकि वीडियो लंबा था, बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे, हमको पता है, और बड़ा बड़ा के देखे होंगे, बहुत सारी चीजें मिस कर दिए होंगे, तो इसीलिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूं और सारी बातें मैं बता रहा हूं कि कैसे आप इस 6 बातों को ध्यान देकर के अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि कोई इन फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ज्यादा ना बात करते हुए डायरेक्टली मुद्दे पर चलते हैं। पहली बात, कोई भी व्यक्ति यदि आपके साथ ज्वाइनिंग करने के लिए वो आ रहा है, सबसे पहली बात है, ज्वाइनिंग करने के लिए आ रहा है तो उसकी ज्वाइनिंग की फॉर्म जो आप भरेंगे, ठीक है, वो पूरी ध्यान से भरेंगे और वही चीजें लिखेंगे जो उसके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, कोई अक्षर अलग नहीं, यानी पूरी चीजें सेम टू सेम आपको भरना है, पहली चीज। दूसरी चीजें ध्यान देने वाली बात, फॉर्म भरने से पहले यह चेक कर ले कि उसका जो डॉक्यूमेंट आप लगाने वाले हैं, आधार कार्ड, वो आधार कार्ड जो है में मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं, मोबाइल नंबर लिंक है नहीं, ये कंपलसरी हो गया है, क्योंकि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो वो आधार कार्ड एक्सेप्ट लेगा नहीं, उसका ज्वाइनिंग होगा नहीं, यानी कि उस आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड जो नंबर होगा उस पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी उसको दर्ज करना पड़ेगा उस फॉर्म फिलअप करते समय, तभी जाके वो फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगा। तो गेस्ट से पहले कंफर्म कर ले कि आपका आधार कार्ड में नंबर अपडेट है या नहीं, यदि नहीं होगा तो उसे अपडेट करा लेंगे। 2 बातें हो गई। तीसरी बातें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको उसमें जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा आधार कार्ड में, वो सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ लिखना है, कोई अंतर नहीं करनी है। यदि डेट ऑफ बर्थ चेंज हुआ तो एरर बता देगा, वो एक्सेप्ट नहीं लेगा। डेट ऑफ बर्थ ध्यान से भरना है, डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ी नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसका सिर्फ ईस्वी लिखा होता है, बाकी मंथ नहीं लिखा होता है, तो आप 1/1/1991, 1/1/1992, 1/1/1982 जो भी डेट ऑफ बर्थ हो ऐसे करके डाल दीजिएगा, जो या फिर जो जेन्युइन हो वही डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, सिर्फ लिखा हुआ 1991, तो 91 कब, तो आप जो भी डालेंगे वही चीजें एक्सेप्ट हो जाएगी कंपनी में। क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 चीजें हो गई। और सारा प्रोसेस जब आपका कंप्लीट हो जाए ना, सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाए तो सारा डॉक्यूमेंट को आप अपलोड जब करते जाएंगे तो सारा डॉक्यूमेंट वो दीजिएगा जो जेन्युइन हो, कोई गलत प्रूफ नहीं डालना है। ठीक है, कोई गलत प्रूफ नहीं डालना है। और चौथी चीजें फॉर्म पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद उस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है मोबाइल में पीडीएफ में, और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल करके उस गेस्ट से बकायदा उस पर सिग्नेचर करवाना है। हालांकि आप वैसे भी सिग्नेचर करके अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो मान्य नहीं होगा, वो ठोस नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए, ये आपके फ्यूचर के लिए समझ लीजिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि वैसे भी दोस्तों इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग निगेटिव रहते हैं, और जब आप ऐसी प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो वो बोलेगा कि मेरा साइन ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? वो साइन करेगा तो फॉर्म को पढ़ेगा, उसे सारा चीज पता होगा कि इस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, तब कल के डेट में आप पे यदि गलत इल्जाम लगाता है वो कि मुझे पता नहीं था कि ये बिजनेस है, मुझे पता नहीं था ये काम क्या है, तो वो बिल्कुल बेबुनियाद होगा, क्योंकि उसका सिग्नेचर रहेगा उस फॉर्म पे। क्लियर है? तो उस फॉर्म को प्रिंट करके मोबाइल में डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल करके सिग्नेचर कर करके उसको अपलोड करना है। चौथी चीज हो गई ना, प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट को सिग्नेचर उसमें अपलाइन का या फिर गेस्ट का सिग्नेचर करा के उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, अब 5वीं चीज है, आपको
रिस्पॉन्सर यानी रिस्पॉन्सर के पास, यानी जिस व्यक्ति का गेस्ट होगा, यदि मेरा कोई गेस्ट है उसका ज्वाइनिंग हुआ तो मेरे आईडी पर उसका अप्रूवल लेटर आएगा, समझ लीजिए, मतलब ऐसा आप समझ लीजिए, मैं उसको अप्रूव करूंगा कि हाँ मेरे पास ये हक दिया है कंपनी ने, ये पहली बार कि हम उसको अप्रूव करेंगे, हम जब तक कंफर्म नहीं करेंगे वो आईडी कंफर्म नहीं होगी, तो अपलाइन से अप्रूव करवाना है, क्लियर। और अपलाइन भेजेगा किसके पास, सीनियर अपलाइन के पास, आरडी एसडी ईडी के पास, जो भी सीनियर अपलाइन होंगे उनके पास, और वो व्यक्ति फिर उसको कंफर्म करेंगे तो जाकर के आईडी क्लियर हो जाएगी। यानी पांचवी चीजें जो आपको करनी थी वो करनी थी आपको कि अप्लाइन से और सीनियर अप्लाइन से उसको कंफर्म करना है, क्लियर है। छठी चीजें जो फॉर्म आप अपलोड किए हैं, उसका तो फोटो खींच के उसका पीडीएफ बना के अपलोड किए होंगे, ठीक है, और कैसे अपलोड करना है, कैसे आईडी बनाना है, उसका एक फुल वीडियो मैं लेके आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और छठी चीजें जो आप प्रिंट आउट निकाले हैं या जिस पे सिग्नेचर किए हैं, उसी फॉर्म को अपने नजदीकी गैलवे शॉप या किसी फ्रेंचाइजी में जमा कर दीजिएगा, वो आप कर सकते हैं थोड़ा लेट सेट भी, लेकिन फॉर्म अपलोड आप जल्द से जल्द कर दीजिएगा, जैसे आईडी बन जाए तो 2-3-4 दिन में कर दीजिएगा, हार्डली 20 तारीख के अंदर अपलोड कर देना है, ये चीज ध्यान देना है, 20 तारीख के अंदर, ये पिछले महीने की बात हो रही है, ये पिछला महीना में जो लोग ज्वाइनिंग हुए हैं जनवरी महीने में, वो फरवरी 20 तारीख तक अपलोड कर देंगे, ठीक है। वैसे नॉर्मली समय रहेगा 5 तारीख तक ही, 5 तारीख तक आपको अपलोड कर लेना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 5 तारीख तक अपलोड कर देना, यानी जनवरी महीने में जो काम हुआ फरवरी में 5 तारीख तक सारा फॉर्म को अपलोड कर देना है, उसी के आईडी पर, जिसका व्यक्ति का आईडी बना रहेगा उसका आईडी खोल के उस पर अपलोड कर देना ऑप्शन रहता है, क्लियर। तो दोस्तों पहली चीजें क्या करनी है, डॉक्यूमेंट के अनुसार ही फॉर्म भरनी है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट में शॉर्टकट में है लेकिन एड्रेस उससे भी थोड़ा बड़ा है तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट में जो है वो तो होना ही चाहिए, उसमें छूटना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीजें आपको चेक कर लेना है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं, ऐसा नहीं कि अपडेट तो है लेकिन वो मोबाइल नंबर खो गया है या फिर मोबाइल नंबर किसी और के पास है, ओटीपी जाए तो ओटीपी देगा ही नहीं वो या फोन ही ना उठाएगा, तो मोबाइल नंबर अपडेट है कि नहीं ये चीज ध्यान रख लेना है, क्योंकि आधार कार्ड जैसे ही डालेंगे उसमें ओटीपी जाएगा, ओटीपी जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक फॉर्म कंप्लीट नहीं होने वाला, क्लियर। दो चीजें, तीसरी चीजें जो आपको करनी है दोस्तों, साथ साथ ईमेल आईडी लगाना है, ईमेल आईडी कैसे बनाए उसके लिए यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो हम बना दिए हैं, वहां पर देख सकते हैं आप, ईमेल आईडी बनाने का वीडियो बना दिया, बड़ी आसान तरीके से 5 मिनट में बन जाता है, किसी भी गेस्ट का ईमेल आईडी आप बना करके डाल दीजिएगा, क्लियर। और वो ईमेल आईडी डालिएगा जो कंटिन्यू रूप से चालू रखे मोबाइल में, लॉग इन करके रखे, जिसको आप उसको इस्तेमाल कर सके बराबर, ठीक है। अब तीसरी चीज है कि आपको करना क्या है, डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसमैच नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज जो करनी है, फॉर्म को डाउनलोड करना है पहले, और डाउनलोड करने के बाद मोबाइल में इसके बाद उसको अपलोड करना है सिग्नेचर करा के, किसका, अप्लाइन का या फिर उस गेस्ट का सिग्नेचर करा के उसको अपलोड करना है, क्लियर। चौथी चीज हो गई। पांचवी चीज क्या करना है, सीनियर्स का यानी उसके अप्लाइन और उसके सीनियर अप्लाइन का दोनों का अप्रूवल दिलाना है, जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। और छठी और आखिरी चीजें सबसे मोस्ट जरूरी कि उस गेस्ट का फॉर्म अपनी नजदीकी गैलरी शॉप या फिर फ्रेंचाइजी में जरूर जमा करा दें, ठीक है। वो लेट सेट भी कर सकते हैं लेकिन फॉर्म अपलोड आपको 5 तारीख के अंदर कर लेना है, इस महीने में 20 तारीख तक समय है फरवरी में, अगले महीने से जैसे फरवरी में पूरा काम होगा तो उसका फॉर्म आप 5 तारीख तक अपलोड कर ही लीजिएगा, नहीं तो आपको इस सेल से कोई कमीशन नहीं बनेगा, इस सेल से किसी भी क्लब के आप हिस्सेदारी नहीं बनेंगे, हिस्सा किसी भी क्लब के हिस्सा आप नहीं बन पाएंगे, इस क्लब से जो पॉइंट मिलने वाले होंगे पॉइंट नहीं मिलेंगे, समझे। और साथ ही साथ इस सेल की वजह से जो प्रमोशन होने वाले होंगे उसमें पीवीपी भी काउंट नहीं होगा, यदि ये आप फॉर्म को यदि अपलोड आप नहीं किए रहेंगे उसके आईडी पर से जाके, तो क्लियर दोस्तों। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली बातें हैं, ये सारा प्रोसेस करने में मैक्सिमम आप 15 मिनट ले लीजिए, 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी यदि 2-4 दिन या 5 दिन भी लगता है तो लेकिन कर लेना, क्लियर, ध्यान दीजिएगा इस चीजों को। ये छोटी सी अपडेट थी, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कि हर गैलरियंस तक शेयर करें, हर उस लीडर तक शेयर करें जो गेस्ट का काम करवाते हैं, नए लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं, उनके संपर्क में ये वीडियो जाना चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत टॉपिक के साथ, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।